नमस्कार, मैं कोमल, स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों का। बिहार चुनाव, पीएम मोदी और राहुल की एक ही दिन एंट्री, बढ़ेगा सियासी तापमान। राष्ट्रपति चुनाव बहस, बाइडेन बोले ट्रंप की वजह से गई लाखों नागरिकों की जान, डोनाल्ड बोले ला रहे हैं वैक्सीन। बिहार चुनाव दूसरे चरण में आधे से ज्यादा दागी, 1464 प्रत्याशियों में से 54% पर आपराधिक मामले। आईपीएल 2020, मनीष विजय की शतकीय साझेदारी, राजस्थान को हराकर SRH प्लेऑफ की दौड़ में शामिल। हिमालय में आ सकता है सदी का बड़ा भूकंप, दिल्ली भी होगी जद में। भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा, नया QR कोड जारी नहीं करेंगी पेमेंट कंपनियां। कोरोना वैक्सीन टेस्ट, दिवाली के बाद स्वदेशी टीके पर होगा परीक्षण। देश में कोरोना वायरस की जांच का आंकड़ा 10 करोड़ पार। मिशन शक्ति, आगरा की महिलाओं बालिकाओं से आज वर्चुअल संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी। दिल्ली की हवा में जहर घोल रही है कूड़े की आग, नहीं मान रहे लोग। पीएम मोदी की आज बिहार में 3 रैलियां, LJP को लेकर रुख पर रहेंगी सबकी नजरें। बिहार चुनाव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की RJD नेता तेजस्वी के साथ साझा रैली आज। लक्ष्मी बॉम्ब का टाइटल बदलने की मांग, हिंदू सेना का लव जिहाद प्रमोट करने का आरोप। देश के समुद्र की सुरक्षा में तैनात हुआ INS करवती। मुंबई 10 घंटे बाद भी नहीं बुझी, सिटी सेंटर मॉल में लगी आग, 2 दमकल कर्मी घायल। दुबई ने बनाया सबसे बड़े फाउंटेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 105 मीटर लंबा रहा सुपर शूटर। पाक के गृह मंत्री ने कराया था सिंध के IG पुलिस का अपहरण। पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में 306 रही वायु गुणवत्ता। सितंबर तिमाही में भारतीयों ने खरीदे रिकॉर्ड 5 करोड़ स्मार्टफोन। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।